क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। गांव खेड़ी सरपंच की जो गांव की समस्या है जो दिखते हैं वो मांग पत्र मंत्री महोदय को गांव के सरपंच लखविंदर सिंह व कैप्टन दशवंत सिंह जी बख्शी सिंह जी को शुरू कर दिया जा रहा है। गांव की तरफ से जोरदार तालियां बजाते रहे, धन्यवाद। इनके बाद जिला अध्यक्ष जोगिंदर राणा जी उनको सिरोपा देकर के सम्मान दिया जा रहा है। गांव की तरफ से जोरदार ताली आपकी बजती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मनोहर जी के आदेश अनुसार हम सब मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है, तो आज मैं जनसंवाद के कार्यक्रम में आपके बीच में आई हूँ। आज मेरा असम विधानसभा का जनसंवाद कार्यक्रम था, मैं चार गांव में होकर आई हूँ। मेरा पांचवा गांव गोली है, तो गोली गांव एक बहुत ही मजबूत गांव है और मेरा सौभाग्य है मैं आपके बीच में आई हूँ। तो आपकी जो भी दिक्कत परेशानी कठिनाइयां हैं, चाहे किसी भी तरह की है, गांव की पीने की पानी की है, पीने के लिए पानी की निकासी है या किसी बिजली की है, कोई भी किसी भी तरह की हो तो आप उसको बता सकते हैं। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मौके पर हम उनका समाधान करवाने का काम करेंगे। अगर आपका कोई मांग पत्र सरपंच साहब की तरफ से मांग पत्र भी आया है मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ, उसको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाने का काम करूँगी। जो आपकी छोटी से बड़ी पर्ची जो भी मेरे पास आएगी मैं वो सारी आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का काम करूंगी और उसको ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का काम करेंगे। तो इस मकसद से मैं आज आपके बीच में आई थी। हटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, राम मंदिर का बनवाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और जो योजना का लाभ हमें मिल रहा है किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं, तो 2,000 की 3 किस्तें, अगर उसमें किसी की तरह की कोई दिक्कत है तो आप तुरंत बता सकते हैं। मेरे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं तो उसका भी हम समाधान करवाने का काम करेंगे। इसी तरीके से आयुष्मान भारत योजना के तहत जो बीपीएल परिवार है जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसके सालाना 5 लाख का बीमा करवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरह पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख जो उनकी आय है उसको चिरायु कार्ड के जरिए 5 लाख सालाना के जो बीमा करवाने का काम किया है। गरीब आदमी को दिक्कत ना आए, घर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको परेशानी होती है तो उसको देखते हुए 5 लाख रुपए का बीमा करवाने का काम। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिल रही है। जो पिछली सरकारें थी उसमें नौकरियां बिकती थी, गोली लगती थी और दलाल बीच में पैसे खाते थे और चक्कर काटने पड़ते थे पैसे दे, कभी क्या पता नौकरी लगे ना लगे, तो इस तरह का धंधा चला हुआ था। आज भी बहुत सारे लोगों के पैसे उसमें फंसे हुए हैं। जब से हमारी सरकार आई है इस प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाली है, तो बिना पर्ची बिना खर्ची आज युवाओं को HCS समझ क्लास अफसर की नौकरियां मिल रही है और बहुत सारी जो भी जितनी भी भर्ती है मैं कहूँ इस गांव में भी बच्चे नौकरियां लगे होंगे, उनसे पूछ रहा उनका क्या खर्चा लगे है, या तो उनका मैं कभी फार्म भरने गया जहाँ पे पर देने का किराए का खर्चा लगा होगा, इससे ज्यादा कोई एक खर्चा नहीं लगा। तो जब महामंत्री है मान साहब जो बड़ा के सरपंच है कृष्ण मान जी, फिर वो नौजवान साथियों मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब की तरफ से माननीय मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर इस गांव की तरफ से इस हल्के की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। देखिए माननीय मुख्य शादी में 31,000 से बढ़ाकर 41,000 करने का काम किया, जो अनुसूचित जाति की बेटियां हैं 51,000 से बढ़ाकर 71,000 करने का काम किया। अगर इस तरह का भी कोई जो हमारी ये इस तरह का जो लाभ अगर किसी को नहीं मिल रहा है वो पात्र है तो भी आप तुरंत बता सकते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए
देरी से आए हैं, शाम का समय हो चुका है और आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पहुँचे, तो मैं आपसे यही कहूँगी जो आपकी समस्या परेशानी दिक्कत है आप उसको बताने का काम करेंगे और हम तुरंत उसको ठीक कराने का काम करेंगे।